अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। इस जिले की स्थापना 21 सितंबर 1995 को उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के द्वारा किया गया था और इस जिले का नाम भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर रखा गया है। अंबेडकर नगर जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस अकबरपुर शहर में मौजूद है और अंबेडकर नगर जिला अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। ये वही अंबेडकर नगर जिला है जहां पर प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी व समाजवादी राजनीतिक नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। लगभग 2350 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले अंबेडकर नगर जिला की जो कुल आबादी है वो 23,97,000 है। इस 23,97,000 में 12,12,000 पुरुष तथा 11,85,000 महिला मौजूद हैं। तमसा नदी के किनारे पर बसा अंबेडकर नगर जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 200 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 550 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंबेडकर नगर जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है जिसमें जौनपुर जिला, सुल्तानपुर जिला, गोरखपुर जिला, आजमगढ़ जिला, संत कबीर नगर जिला, अयोध्या जिला और बस्ती जिला। अगर आवागमन की बात करें तो अंबेडकर नगर जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, सड़क मार्ग। दोस्तों अंबेडकर नगर जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 232, नेशनल हाईवे संख्या 233 होकर गुजरती है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस, स्टेट हाईवे संख्या 30, ये सभी जो बड़े बड़े हाईवे हैं वो इस अंबेडकर नगर जिला के माध्यम से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा अकबरपुर बस स्टैंड के माध्यम से आसपास के जितने भी पड़ोसी जिला हैं या फिर लखनऊ और नई दिल्ली के लिए भी यहाँ से नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर दो, रेल मार्ग। दोस्तों अंबेडकर नगर जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम अकबरपुर जंक्शन है जिसका स्टेशन कोड ABP है और अकबरपुर जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म तथा 7 ट्रैक मौजूद हैं। अकबरपुर जंक्शन वाराणसी जौनपुर अयोध्या कैंट लाइन पर स्थित है और इसके अलावा अकबरपुर टांडा लाइन भी यहाँ से मिलती है। अकबरपुर जंक्शन नॉर्थन रेलवे जोन के लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस जंक्शन के माध्यम से फरका एक्सप्रेस, उत्कर्ष एक्सप्रेस, बरेली एक्सप्रेस, धून एक्सप्रेस, कोलकाता एक्सप्रेस जैसी कई तमाम ट्रेनें जो हैं वो अकबरपुर जंक्शन के माध्यम से होकर गुजरती है जो कि आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। नंबर तीन, वायु मार्ग। दोस्तों वैसे तो अंबेडकर नगर जिला में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है लेकिन यहाँ का सबसे नज़दीक में जो हवाई अड्डा है वो वाराणसी का है जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों अंबेडकर नगर जिला 5 तहसीलों में बटा हुआ है जिसमें अकबरपुर जिला, टांडा, जलालपुर, भीटी और आलापुर, इसके अलावा 2 लोकसभा, 5 विधानसभा, 5 नगर पालिका, 19 पुलिस स्टेशन, 2 मुख्य अस्पताल और 1757 गांव अंबेडकर नगर जिला के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अंबेडकर नगर जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अंबेडकर नगर जिला में कैसे धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है जहां पर दूर दूर से लोग जो है वो देखने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सा खास घूमने का स्थान है जो कि अंबेडकर नगर जिला में मौजूद है। लेकिन दोस्तों इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर एक, गोविंद साहब डैम। अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित गोविंद साहब धाम आस्था का केंद्र है। यहाँ पर हर साल 1 माह का मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि विजयदशमी के दिन यहाँ पर गोविंद साहब धाम पर खिचड़ी चढ़ाने से सारी जो मुरादें हैं वो पूरी हो जाती है। यही वजह है कि विजयदशमी के दिन यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग भी बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस बार जो ये मेला है वह 28 नवंबर को शुरू होगा। चूंकि गोविंद साह धाम अंबेडकर नगर में पड़ता है इसलिए जिला अधिकारी अंबेडकर नगर इस मेले का उद्घाटन करते हैं। अगर आप गोविंद साह धाम पर जाना चाहते हैं तो आपको जो है वो अकबरपुर रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। नंबर दो, कि चौचा शरीफ।
दोस्तों यह प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम शाह जहांगीर अशरफी की दरगाह शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। यह दरगाह शरीफ तालाब से घिरा हुआ है और पूरा जो परिसर है वो संगमरमर के पत्थर से सजाया गया है। हर वर्ष लाखों सैलानी जो है वो दरगाह की जियारत करने के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों अगर आप अम्बेडकर नगर जिला में जा रहे हैं और मुस्लिम समुदाय से अगर ताल्लुक रखते हैं तो आप किचौचा शरीफ जाना ना भूलेगा। किचौचा शरीफ काफी खूबसूरत है। इसके अलावा गोविंद शाह धाम भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। दोस्तों इसके अलावा अम्बेडकर नगर जिला में और भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं जिसकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। अगर शिक्षा की बात करें तो अम्बेडकर नगर जिला की जो साक्षरता दर है वो 74% है, यानी कि 74% जो लोग हैं वो अम्बेडकर नगर जिला में पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम है काशीराम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, महामाया राजकीय एलोपैथिक, BNPK PG कॉलेज, रामलखन PG कॉलेज। ये सभी स्कूल व कॉलेज अम्बेडकर नगर जिला में मौजूद हैं। इसके अलावा और भी कई सारे प्राथमिक जूनियर स्कूल इस जिले में मौजूद हैं जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। अम्बेडकर नगर जिला की जो है वो 18% आबादी शहरों में रहती है, बाकी 90% आबादी आज भी गाँव में रहकर अपना जीवन यापन करती है। जिले की अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। धान, गेहूं, गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। जिले में NTPC से संबंधित एक थर्मल पावर स्टेशन तथा JP सीमेंट की फैक्ट्री भी है। इसके अलावा जिले में एक चीनी भील मिल भी जो है वो मौजूद है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर मिछौला में स्थित है। परंतु जिले में कोई बड़ा उद्योग न होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि शहरों के लिए रोजगार पाने के लिए पलायन करने पर मजबूर हैं। अगर अंबेडकर नगर के विकास की बात करें तो अंबेडकर नगर विकास में जो है वो थोड़ा विकास तो हुआ है, लेकिन आज भी अंबेडकर नगर जिला में बहुत जो चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत है। अगर आप अम्बेडकर नगर जिला से हैं तो क्या क्या वहाँ पर कमियाँ हैं, क्या क्या काम अभी नहीं हुए हैं, क्या क्या काम हो चुके हैं, अब वो आप हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी अम्बेडकर नगर जिला जो है वो खूबसूरत है और बहुत सारे लोग जो है वो अम्बेडकर नगर जिला में रहते हैं। अगर वहाँ पर मीठे पकवान की बात करें तो अम्बेडकर नगर जिला का एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो भी यहाँ का मीठा पकवान, और साथ में यहाँ पर जो लस्सी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। अगर आप वहाँ की लस्सी को चखे हैं तो उसके मजे लिए हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जिले के टॉपिक के बारे में। अगर आप अपने जिला के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।